हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके को। हिमाचल प्रदेश के अगर किसी भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस सूर्य टेम्पल इज लोकेटेड। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर से ये क्वेश्चंस हैं। कुछ हमने गिरिराज वाले वीडियो में पहले ही डिस्कस कर लिए थे और ये भी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश टॉपिक से। तो ये सूर्य टेम्पल हमारा लोकेटेड है नीरथ में। नीरथ कहाँ पर है? नीरथ आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, रामपुर से थोड़ी सी दूरी पर है ये नीरथ जगह। नगर स्टाइल का ये टेम्पल है, नगर स्टाइल का इसका आर्किटेक्चर है। लाल जो सैंड स्टोन्स होते हैं उनसे बना हुआ है। सतलुज नदी के किनारे पर ये मंदिर बना हुआ है। ऐसा तो मतलब इसकी जो फिक्स डेट है वो नहीं बताई गई है कि कब ये बनाया गया है, लेकिन ऐसे कुछ एस्टिमेट्स लगाए गए हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ये 12th century से पहले का बना हुआ है। अब कुछ एक माइथोलॉजी भी है इसके, जैसे माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता ही है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज होती हैं किसी भी टेम्पल की कंस्ट्रक्शन के पीछे। तो ऐसे कहा जाता है कि इसे जो भगवान परशुराम थे उनके नेतृत्व में बनाया गया था। और इसमें एक और चीज़ है पांडवों से रिलेटेड कि उनका जब एग्जाइल पीरियड था, उनका वनवास जब चला था, तो वो यहाँ पर इस जगह पर रुके हुए थे और उन्होंने इस मंदिर को बनाया था, नीरथ टेम्पल। नेक्स्ट आ गया, मार्क द इनकरेक्ट टेम्पल और लोकेशन जो है किसकी गलत दी है वो उसको हमने मार्क करना है। त्रिपुरा सुंदरी नगर में है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल सही है। आदि ब्रह्मा खोखन में है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ये भी बिल्कुल सही है। बाबा बालकनाथ देवउठसिद्ध में है, बिल्कुल सही है। चकमोह गाँव में है, हमीरपुर के देवउठसिद्ध में। नैना देवी घुमारवी, नैना देवी जो है बिलासपुर में है, नैना देवी टाउन आप लोगों को पता ही है। तो ये है तो बिलासपुर में, लेकिन घुमारवी में पर्टिकुलर जगह पर ये नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आ जाता है, डी गलत है आपका यहाँ पे। त्रिलोकीनाथ टेम्पल ऑफ टुंडे रिप्रेजेंट्स द आर्ट स्टाइल ऑफ। टुंडे का जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है वो किस कला शैली का प्रतिनिधित्व करता है? कश्मीर कन्नौज, कश्मीर कन्नौज कला का प्रतिनिधित्व करता है जो टुंडे का त्रिलोकीनाथ मंदिर है। लाहौल स्पीति में एक गांव है टुंडे जहां पर ये त्रिलोकीनाथ मंदिर है। और ये जो कश्मीर कन्नौज वाला स्टाइल है ये राजा ललितादित्य, कश्मीर के एक राजा थे 725 से 756 AD के बीच में, उस समय पर ये बहुत ज़्यादा फला फूला। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इस मंदिर में जो सिल्वर की मूर्ति है काली माता की, एज अ मतलब जैसे महिषासुर मर्दिनी वाली जो काली माता के सिल्वर की मूर्ति है, वो ठाकुर हिमपाला ने 1569 और 70 के करीब इसको वहाँ पर इंस्टॉल किया था। देखिए क्वेश्चन एक है पीछे कि कौन सा आर्ट स्टाइल था, बट यहाँ पर 3-4 आपके क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन में बन रहे हैं, बिकॉज ये जो जितने भी पॉइंट मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ये डिस्कस कर रही हूँ हर एक पॉइंट से सेपरेट क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं। लेफ्ट बैंक ऑफ चंद्रभागा नदी के लेफ्ट बैंक पर ये सिचुएटेड है मंदिर। और यहाँ पर ये मंदिर ऐसा है ना त्रिलोकीनाथ का कि यहाँ पर बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों ही आते हैं। 3 दिन का पौड़ी फेस्टिवल भी यहाँ पर मनाया जाता है अगस्त में। जब हमने अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस किए थे तब हमने ये पौड़ी फेस्टिवल त्यौहार के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था। गुरु घंटाल गोम्पा जो तुपचलिंग में है, लाहौल स्पीति में एक गांव है तुपचलिंग, वहां पर गुरु घंटाल गोम्पा है, वहां अवलोकितेश्वर की एक छवि है, संगमरमर के सिर की मूर्ति बनी हुई है अवलोकितेश्वर जी की, ये किस सेंचुरी की है? तो अप्रोक्सीमेट जो ये है आपकी, ये है आपकी 8th century की, ठीक है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे आ गया आपका 8th century। और ऐसे बोला जाता है कि गुरु पद्म संभवा ने इसको बनाया था। ये आपके चंद्रभागा जो रिवर जहाँ पर मिलती है वहाँ पर, उसके 4 किलोमीटर ऊपर है विलेज तुपचलिंग में, ठीक है। यहाँ पर एक फेस्टिवल है जिसका नाम है घंटाल, जैसे इसका नाम है गोम्पा का वैसा ही घंटाल एक फेस्टिवल होता है जिसे यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका आ गया आंसर, गैमूर मोनेस्ट्री जिसमें मारीची वज्रवाही है वो 11th से 12th century में से संबंध रखती है, किस स्टाइल में ये है? तो ये आपकी है यहाँ पर कश्मीरी स्टाइल में, ठीक।
ये भागा वैली में है, भागा वैली में सिचुएटेड है, और यहाँ पर डेविल डांस भी परफॉर्म किया जाता है। डेविल डांस आप लोगों को पता ही है, राक्षसों जैसे मास्क पहन के परफॉर्म किया जाता है। जुलाई में ये यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग गोम्पा वॉज बिल्ट बाय लांबा नेम्ड सर्जन रिंचेन। निम्नलिखित में से कौन सा गोम्पा सर्जन रिंचेन नाम के लांबा ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था? तो ये है आपका तायूल गोम्पा। तायूल का मतलब होता है चूजन प्लेस, ठीक है, कि चुनी हुई जगह है, ये चूजन प्लेस होता है, तिब्बतन वर्ड है। और रिंचेन गोम्पा जो थे, रिंचेन जो थे वो गोम्पा डुगमा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, गोम्पा डुगमा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है कि 1600 साल जब इसके वो बनाए हुए हो गए, तो एक तिब्बतन थे जिनका नाम था, लद्दाखी थे तुलकु ताशी तनफेल, इन्होंने इस गोम्पा को रेनोवेट किया था, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग स्टाइल्स डिड नॉट फ्लोरिश इन हिमाचल प्रदेश एवर। नीचे दिए गए हुए पेंटिंग स्टाइल में से कौन सा ऐसा पेंटिंग स्टाइल है जो हिमाचल प्रदेश में कभी भी नहीं फला फूला? तो ये आपका आ गया यहाँ पे उनाबी कलम। हिमाचल प्रदेश में लगभग 35 स्टाइल के जो कलम स्टाइल हैं वो फले फूले थे, जिनमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आ गए, मंडी कलम, कांगड़ा कलम, कुल्लू कलम, बिलासपुर कलम, अर्की कलम, उनाबी कलम उनमें से एक नहीं था। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग स्टाइल कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज हिमाचली। हिमाचली किस चित्रकला शैली को हिमाचली के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? तो आंसर दो है ये, स्कल्पचर पेंटिंग। हिमाचल पेंटिंग की अगर हम बात करें तो उसको तीन भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आ गया मिनिएचर पेंटिंग, वॉल पेंटिंग और मेन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग फ्लोरिस्ट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी शैली कौन सी है? तो ये आ गया आपका बशोली का स्कूल, ये सबसे ज़्यादा पुरानी शैली है। और जब राजा किरपाल थे बशोली में, उनके समय से ये काफ़ी ज़्यादा प्रमुखता से इसको जाने लगा। इसमें डिफरेंट कलर यूज़ किए जाते हैं, सिम्बॉलिकली किए जाते हैं, मतलब हर एक रूप से हर एक कलर को किसी डिफरेंट चीज़ को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे रेड को लव के लिए, येल्लो को स्प्रिंग के लिए, और ब्लू को फर्टाइल रेन्स और क्लाउड्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेंट्रल इंस्पिरेशन क्या है थीम की? केंद्रीय प्रेरणा है इसकी वैष्णविज्म। विष्णु जो है अपने कृष्णा के अवतार में इसमें प्रीडोमिनेट करते हैं, यानी कि प्रधान है इसमें कृष्णा के अवतार में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंबल ऑफ बशोली स्कूल। अभी हमने पढ़ा कि इसमें तीन तरह के सिंबल को हम यूज करते हैं, लाल कलर है लव के लिए, येलो कलर है स्प्रिंग के लिए, ब्लैक कलर वॉर के लिए, ये गलत है, इसको हम यूज नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी आ जाता है आपका, ब्लू कलर फर्टाइल रेन और क्लाउड्स के लिए यूज करते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्योंकि हमसे यहाँ पूछा है कि बशोली स्कूल का सिंबल कौन है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ब्लैक कलर वॉर, ये कलर यहाँ पर नहीं बताया गया है। नेम द रूलर ऑफ कांगड़ा हु पेट्रोनाइज्ड कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। आपको कांगड़ा के उस रूलर का नाम बताना है जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग को जिन्होंने पेट्रोनाइज किया था, संरक्षण दिया था। तो ये है राजा संसारचंद। राजा संसारचंद को बहुत जाना जाता था, जो उन्होंने जो जिस तरह से वो कांगड़ा पेंटिंग्स को वो करते थे, पेट्रोनाइज करते थे। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, एक मिनट, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की रूट्स जड़ें जो हैं गुलेर में हैं बेसिकली। और जो कांगड़ा पेंटिंग्स हैं इनके मेजर करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मुख्य विशेषता क्या है? एक तो डेलिकेट लाइंस होती हैं, नाजुक लाइनें होती हैं, और रंगों का आकर्षण, अलंकरण, घर पे बने हुए कलर्स को यूज़ करते हैं, खुद से बने हुए कलर्स को कांगड़ा पेंटिंग में, मिनिएचर पेंटिंग्स में, आप लोग जानते ही हो। सेंट्रल थीम क्या है कांगड़ा कलम की? लॉर्ड कृष्णा एंड राधा। कृष्ण लीला जो है एक बेसिक फीचर है कांगड़ा पेंटिंग्स का, और इसकी फुल फ्लेज्ड जो डेवलपमेंट है, यानी कि इसका जो पूर्ण विकास है, वो सुजानपुर टीरा से हुआ है, सुजानपुर टीरा से हुआ है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं।
कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैज रूट्स इन, अभी पीछे हमने पढ़ा कि कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की रूट्स जड़े कहाँ पर हैं, गुलेर में थी, ठीक है। और वहाँ पर गुलेर के एक राजा थे, राजा गोवर्धन चंद, इनके समय पर पहाड़ी पेंटिंग्स का दूसरा फेज शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद जो गुलेर है वो कांगड़ा में अब्जॉर्ब हो गया और फिर ये जो गुलेर की पेंटिंग्स थी, मतलब गुलेर का जो स्टाइल था वो मुगल स्टाइल की प्रभाव में आ गया। सेंट्रल थीम ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स वॉज, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की सेंट्रल थीम क्या थी, अभी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा हमने पीछे, लॉर्ड कृष्णा एंड राधा। द सेंटर ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज, कांगड़ा चित्रकला शैली का केंद्र कहाँ था, तो सुजानपुर ही था और यहाँ से इनकी फुल फ्लैज्ड डेवलपमेंट भी हुई थी, ठीक है, पूर्ण विकास हुआ था। अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स फ्लोरिश्ड इन द प्रिंसली स्टेट, अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जो हैं वो किस स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा फली फूली, तो ये आ गया यहाँ पे भगल, भगल, ठीक है। ये शिमला का एक स्टेट था, शिमला का एक स्टेट था ये भगल, और अर्की जो है वो उसकी कैपिटल थी भगल की। अर्की की पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो ये कृष्णा के साथ डील करती हैं, शिव पार्वती स्ट्रिप्स के साथ, नायक नायिका थीम के साथ और केशव दास की रसिक प्रिया थीम के साथ। ये थीम्स भी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, थीम्स भी पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स में। चंबा पेंटिंग्स गॉट रॉयल पेट्रोनेज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ राजा, चंबा की जो पेंटिंग्स हैं उन्हें किस राजा के काल में शाही संरक्षण मिला, तो उन राजा का नाम था उदय सिंह, ऑप्शन नंबर डी उदय सिंह। सब्जेक्ट मैटर, चंबा पेंटिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो विषय है वो विष्णु की दो इनकारनेशन है, एक तो राम और एक कृष्णा। सब तरह की जो पेंटिंग्स है ना एक बेसिकली थीम के ऊपर चलती हैं वो, कि जैसे हमने अभी देखा कांगड़ा पेंटिंग्स का अलग से देखा, मिनिएचर पेंटिंग्स का, और ये जो चंबा पेंटिंग है इनमें विष्णु के दो रूपों को प्रधानता दी जाती है, राम और कृष्णा। निक्का, अच्छा ये जो चंबा पेंटिंग है इनके साथ एक बड़े ही महत्वपूर्ण पेंटर जुड़े हैं जिनका नाम है निक्का। 18th century के बाद वाले पार्ट में निक्का जो है चंबा पेंटिंग्स के मास्टर बने, ठीक है। निक्का बहुत बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो निक्का पेंटर थे वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, चंबा से बिलोंग करते हैं, किस पेंटिंग्स में महारत थी इनको हासिल, चंबा स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स में। पेंटिंग्स में भी ये जो पेंटर्स हैं ना इनसे एक आधा क्वेश्चंस आता है, पेंटर्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि कोई पर्टिकुलर पेंटर जो था वो कहाँ से था, किस पेंटिंग्स के साथ रिलेटेड था, ठीक। श्रीमती महेशी देवी, एमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, श्रीमती महेशी देवी जिनको नेशनल अवार्ड मिला मास्टर क्राफ्ट्समैन के लिए 1965 में, वो किस चीज़ से रिलेटेड हैं, एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड है ये। राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मास्टर क्राफ्ट्समैन का प्राप्त हुआ था महेशी देवी जी को, ठीक है, तो एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड है ये। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था वैसे भी चंबा रुमाल के समय पर, 1965 में इनको ये अवार्ड मिला। जब हमारा हिमाचल प्रदेश को स्वतंत्रता मिली, जब हमें स्वतंत्रता मिली तो जो हिमाचल प्रदेश है उन्होंने अपने हैंडलूम जो आर्टिस्टिक एक्टिविटी है इनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे वो, और इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर को खोला चंबा में, ठीक, चंबा रुमाल के लिए एक ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर को खोला। तो जो श्रीमती महेशी देवी जी हैं और श्री प्रेमलाल, जिन दोनों को ये 1965 में अवार्ड मिला था, उनको इंस्ट्रक्टर अपॉइंट किया गया एम्ब्रॉयडरी और डिजाइनर डिपार्टमेंट में, ठीक। श्री प्रेमलाल ऑफ चंबा वॉज अ फेमस, चंबा के जो श्री प्रेमलाल थे वो क्या हैं, एक फेमस क्या है वो, पेंटर एंड डिजाइनर, ठीक है, तो ये एक चित्रकार और डिजाइनर थे। इन 18th century AD निक्का वॉज अ फेमस पेंटर इन द स्टेट ऑफ, देखो अभी फिर से वो निक्का वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ये चंबा के में था 18th शताब्दी में, और ड्यूरिंग रीन ऑफ राजा राज सिंह ऑफ चंबा कंटेम्प्रेरी ऑफ संसार चंद आर्टिस्ट कॉल्ड निक्का, हाँ तो ये जो निक्का थे चंबा के पेंटर थे, सबसे ज्यादा अच्छा काम इन्होंने किस राजा के शासनकाल में किया, तो ये थे राजा राज सिंह, चंबा के राजा थे ये राज सिंह, और समकालीन थे ये संसार चंद के, मतलब जो कांगड़ा के राजा थे उस समय पर वो संसार चंद थे। पंडित सेऊ ऑफ पहाड़ी स्कूल वॉज अ ग्रेट पेंटर इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ, पंडित सेऊ जो हैं वो
किस रियासत के महान चित्रकार थे? तो ये गुलेर के थे, पंडित सेऊ। इनके दो बेटे थे, मनाकू और नैनसुक। मानक भी कहा जाता है इनको, मनाकू को मानक भी कहा जाता है। ये इनके दोनों बेटे थे और ये दोनों भी पेंटर्स थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट हैंडमेड ऑफ पेंटर फत्तू, एल्डेस्ट सन ऑफ मानक। मानक के जो सबसे बड़े बेटे थे फत्तू, उनकी इन सारी जो यहाँ पर नीचे दिया गया हुआ है ये काम है, इनमें से कौन सी रचना उनकी नहीं थी? तो ये आ गया आपका भागवत पुराण। क्यों? क्योंकि ये जो भागवत पुराण है आपका, ऐसे माना जाता है कि ये किशनलाल जी का काम था। गुलेर बख्श वॉज अ फेमस आर्टिस्ट फ्रॉम मंडी, रिलेटेड टू। मंडी का एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट था गुलेर बख्श। वो किस चीज़ से रिलेटेड थे? तो ये आपके पेंटिंग से रिलेटेड थे। इस समय जो वहाँ पर राजा थे वो कौन से थे? इनके समय पर, यानी कि समर सेन राजा थे वहाँ के। सजनू वॉज अ फेमस पेंटर इन द 17th सेंचुरी इन। सजनू जो है 17वीं शताब्दी में कहाँ के फेमस पेंटर थे? तो ये कुल्लू के फेमस पेंटर थे। Who among the following was not a famous wall painter in the Chamba state? नीचे दिए गए हुए कौन से ऑप्शन में से कौन से चंबा स्टेट के प्रसिद्ध चित्रकार नहीं थे? तो ये आपके आगे कृष्णलाल। Who among the following was not a famous painter related to हिमाचल प्रदेश in modern period? अगर हम आधुनिक काल में हिमाचल प्रदेश, आधुनिक हिमाचल की बात करें, तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा था जो हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध चित्रकार नहीं था? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर आ जाता है यहाँ पे, एम एफ हुसैन। ये तीनों जो हैं, निकोलस रॉरिक, नोरा रिचर्ड, शोभा सिंह, ये हमारे पेंटर्स थे मॉडर्न हिमाचल के, ठीक है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? अंद्रेटा में है। आए दिनों न्यूज में भी बनी रहती है कभी कभी, और हम इसको डिस्कस करते रहते हैं। चंदूलाल राणा इज अ फेमस, चंदूलाल राणा जो है क्या है? फेमस पेंटर हैं चंदूलाल राणा। रॉरिक आर्ट गैलरी इज लोकेटेड इन, रॉरिक आर्ट गैलरी जो है कहां पर लोकेटेड है? नगर में है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के नगर में रॉरिक आर्ट गैलरी स्थित है। नोरा रिचर्ड्स वॉज एसोसिएटेड विद, जो नोरा रिचर्ड्स हैं वो किससे संबंधित है? नीचे दी गई हुई जगह में अंद्रेटा से संबंधित है। नेक्स्ट आ गया हमारा मार्क द इनकरेक्ट। यहाँ पे कुछ एक मंदिर दिए गए हैं और उनकी लोकेशन दी गई है, जैसे ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा में है, ये सही है। चिंतपूर्णी माता का मंदिर ऊना में है, ये भी सही है। तारा देवी का सिरमौर में है, ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि तारा देवी कहाँ पर है आपका? शिमला में है। मनी महेश चंबा में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है, यानी कि आंसर तो सही है ये। स्टेट म्यूजियम ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज ओपन्ड इन 1974 इन शिमला एट, किस जगह पर शिमला में ये स्टेट म्यूजियम खोला गया था? तो ये आपका आ गया यहाँ पे चौड़ा मैदान। हॉर्टिकल्चर म्यूजियम ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट, हिमाचल प्रदेश में जो हॉर्टिकल्चर म्यूजियम है वो किस जगह पर लोकेटेड है यहाँ पर? ये आपका आ गया नवबहार। बोनी मून द अर्लीस्ट एस्टेब्लिश्ड शिमला म्यूजियम वॉज फाउंडेड बाय, बोनी मून जो शिमला में स्थापित संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके रॉबर्ट टाइलर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट टाइलर। द स्टेट म्यूजियम ऑफ हिमाचल इज लोकेटेड इन द बिल्डिंग फेमस एज, हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट म्यूजियम है उस बिल्डिंग को मतलब वो किस नाम से प्रसिद्ध है? इनवेराम, ठीक है। बाबा भालकू रेल म्यूजियम इज लोकेटेड एट, ये म्यूजियम कहाँ पर है आपका? तो ये आपका है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। आर्मी हेरिटेज म्यूजियम इन शिमला इज एट, आर्मी हेरिटेज म्यूजियम कहाँ है शिमला में? तो ये अन्नाडेल में है, एक जगह है वहाँ पे। तिब्बतन कैबिनेट एट धर्मशाला इज नोन एज, धर्मशाला में जो तिब्बतन कैबिनेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कशाग। ग्योतो तांत्रिक यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपकी लोकेटेड है सिद्धबाड़ी में। ये प्लेसेस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कहाँ से आ गया अब ये क्वेश्चन, ये कहाँ से आ गया। तिब्बतन मेडिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो ये आपकी लोकेटेड है धर्मशाला में। त्यौहार सेरेमनी इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग विंटर्स इन, नीचे दी गई हुई जगहों में त्यौहार जो सेरेमनी है समारोह कहाँ पर मनाया जाता है?
तो ये आपका मनाया जाता है अपर शिमला में। बोध मोनेस्ट्री इन रिवालसर हैज बीन बिल्ट इन विच स्टाइल। एक बोध मोनेस्ट्री है रिवालसर में, आप लोग जानते हो किस स्टाइल पर ये बनी हुई है। ये आपको बनी हुई है पगोड़ा स्टाइल में। ये जो सारे स्टाइल्स हैं किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, ये भी डीपली ना एक बड़ी मतलब अलग से वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, पर उसमें एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा, वो थोड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी। पशाकोट द गॉड ऑफ रेन एंड सेवियर ऑफ पीपल फ्रॉम ड्रॉट इज वर्शिप्ड इन। पशाकोट जिनको एक बारिश का देवता माना जाता है, उसको कहाँ पर पूजा जाता है, तो ये आपके पूजा जाता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। वेयर इज थोड़ो ग्राउंड। थोड़ो ग्राउंड जो है वो कहाँ पर स्थित है आपका, सोलन में स्थित है ये थोड़ो ग्राउंड। What is the name of place in Mandi where ceremonial fight between Joganis and Devtas is fought? Mandi में उस स्थान का नाम कहाँ है जहाँ जोगनी और देवताओं के बीच में औपचारिक लड़ाई होती है, तो ये है आपका कंबागिर। रेजिता is a dress worn in। रेजिता एक ड्रेस जो है उसको कहाँ पर पहना जाता है, तो ये पहना जाता है आपके कोटगढ़ में। नेक्स्ट आ गया पूला एंड नामडू आर यूज्ड इन। पूला फुटवेयर होते हैं, पूलें जिसको बोलते हैं, हिमाचल में बहुत पहनते हैं वुलन सर्दियों में, और नामडू मैट्रेस के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, कुल्लू। वैसे तो देखो जो चीज़ जहाँ पर ज़्यादा फेमस होती है ज़्यादा उसको उसके लिए ऑप्शन दिए होते हैं, वैसे अदरवाइज देखें तो पूले तो हर जगह ही पहनी जाती हैं, लेकिन ज़्यादा कहाँ पर ओरिजिनेट हुई हैं, किस जगह से, ठीक है। हिमाचल्स इंडिजिनस आर्किटेक्चर स्टाइल इज पॉपुलरली नोन एज। हिमाचल प्रदेश का जो स्वदेशी वास्तुकला शैली है उसे लोकप्रिय रूप से किस में जाना जाता है, तो ये आ गया आपका काठ कुन्नी। काठ कुन्नी मतलब काठ कुन्नी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो पत्थर और लकड़ी से बनी होती है, ठीक है, वुड प्लस स्टोन। आप लोगों ने देखा होगा हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो वुड और स्टोन से बने होते हैं, वो सिर्फ वुड और स्टोन से ही बने होते हैं, उनमें बीच में कोई भी सीमेंटिंग का मटेरियल नहीं होता है। मतलब इस तरह की पोजीशन में उनको बनाया जाता है कि बीच में कोई भी ऐसे ज़रूरत ही नहीं होती है किसी भी मटेरियल की। यूनिक पैलेस ऑफ जुबल वॉज डिजाइंड बाई अ फ्रेंच आर्टिस्ट इन द ईयर। जुबल के अनोखे महल को एक फ्रांसीसी कलाकार ने किस साल डिजाइन किया था, 1930 में। तो ये थे हमारे कुछ एक MCQs आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो अपना कॉमेंट एक ज़रूर ड्रॉप करें वीडियो के फीडबैक के रूप में, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो। तो ये आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, जल्दी मिलेंगे।